कॉन्जुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है देखते हैं। देखिए आपको उतना पता है इमेजिनरी एक्सिस पर यूनिट डिस्टेंस पर जो एक नंबर होता है वो आयोटा है, और ये इमेजिनरी एक्सिस की यूनिट पोजीशन पर अपवर्ड अबव रियल एक्सिस ये पोजीशन होती है इसकी। ओके इसी तरह एग्जैक्टली ओरिजिन मिड में, और यहाँ पर इसकी ऑपोजिट जो पोजीशन है रिफ्लेक्सिव पोजीशन है डाउन दिस रियल एक्सिस वो माइनस आयोटा है। तो कॉन्जुगेट आयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो माइनस आयोटा होगा, और माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा होगा। तो कॉन्जुगेट क्या है, इट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्शन अबाउट रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबाउट दिस रियल एक्सिस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है उसकी रियल एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन आप कैसे आएगी, रिफ्लेक्शन आप देखें ये तो उसकी ज्योमेट्री होगी कि प्लस आयोटा है अपवर्ड है तो डाउनवर्ड उसकी रिफ्लेक्शन, डाउनवर्ड है तो अपवर्ड। लेकिन इनफैक्ट आप देखें अलजेब्रा कैसे होगा इसका डेवलप, आप प्लस आयोटा के साथ जो इमेजिनरी पार्ट था, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये नोट करें, हमने डिस्कस किया था कि जो आयोटा है ये ना तो ये ग्रेटर देन जीरो होता है ना ये लेस देन जीरो होता है, मीन ये पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव आयोटा हरगिज नहीं होता। पॉजिटिव आयोटा जब हम कहते हैं तो अंडरस्टूड है कि आयोटा इंटू वन है, मीन के कोई कम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट वन है। इस तरह माइनस आयोटा का मतलब लेस देन जीरो नहीं है, इट मीन्स ये है कि कोई इमेजिनरी नंबर है जिसका रियल पार्ट जीरो है और इमेजिनरी पार्ट माइनस वन है। तो जब प्लस आयोटा की बात करते हैं हम तो ये इनफैक्ट कहना गलत है, इनफैक्ट ये ऐसा कम्प्लेक्स नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट वन हो। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो आपको केयरफुल रहना चाहिए, लेकिन प्लस आयोटा हम वैसे बोल देते हैं हम क्विकली उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलने के लिए, अदरवाइज ये प्लस आयोटा नहीं होता, ये ऐसा कम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका इमेजिनरी पार्ट वन हो। ओके तो देखें तो अबव एंड बिलो द रिफ्लेक्सिव पोजीशन ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर, तो कोई भी अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये जेड ऑफ जेड एक कम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, ये उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हो गया, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो उसका जो आपके पास कंजुगेट होगा तो इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट रियल एक्सिस वो ये होगी कि एग्जैक्टली यही चीज के ये उसका कंजुगेट की नोटेशन जेड बार होती है, तो ये उसका मोड हो गया और ये उसकी पोजीशन हो जाएगी जेड कंजुगेट की एक्स, और यहाँ पर प्लस आयोटा था यहाँ पर माइनस आयोटा होगा। तो इट मींस के किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबाउट द रियल एक्सिस एंड वाइस वर्सा। अब इसका डबल कंजुगेट करें तो डबल कंजुगेट वही बात कॉमन सेंस आपको ये बता रही होगी कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका कॉन्जुगेट डाउनवर्ड है, रिफ्लेक्सिव पोजीशन उसकी डाउनवर्ड आई है, तो इस नए कॉन्जुगेट का भी कॉन्जुगेट वो उसकी रिफ्लेक्सिव पोजीशन अबव एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो वो ओरिजिनल आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाएगा। तो अब जरा इसका अलजेब्रा डेवलप कर लेते हैं, अलजेब्रा को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है तो इसका कॉन्जुगेट जेड बार एक्स प्लस आयोटा वाई इज नथिंग बट अ चेंज ऑफ द साइन ऑफ इट्स इमेजिनरी पार्ट। तो देखें ये होगा जिसको हम एक्स माइनस आयोटा वाई भी लिख देते हैं, तो फिर वही बात के प्लस आयोटा माइनस आयोटा नहीं होता, ये उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन होता है। तो यहाँ पर देखें डबल कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आयोटा वाई का डबल कॉन्जुगेट एक्स फर्स्ट कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे एक्स माइनस आयोटा वाई, फिर इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस आयोटा वाई जो कि ओरिजिनल जेड के इक्वल ही गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल ही होता है।